दोस्तों आइए आज हम फिर बना रहे हैं बिरयानी और थोड़ा कुछ अलग स्टाइल में। देखिए दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये देखिए दोस्तों बिरयानी का मैंने थोड़ा सा बिरस्ता बनाया है और इसको आधा हम निकाल रहे हैं थाली में और बाकी थोड़ा सा हमने इसमें बचा दिया है तो बाकी इसको हम फैला देते हैं गार्निश के लिए। ठीक है दोस्तों और देखिए हमने इसमें डाल रहे हैं पहले हम चिकन, इसको हम खूब अच्छी तरह फ्राई करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें लहसुन का छिलका नहीं उतारा, लहसुन का छिलका नहीं उतारा हमने, लहसुन अदरक हरी मिर्ची जो भी थोड़ा गरम मसाला सारा कुछ इसमें है। इसके भूनने के बाद मैं आपको ये सारे मसाले हैं टमाटर दही और ये पुदीना धनिया और ये हमारा खान का चिकन बिरयानी मसाला। ठीक है दोस्तों आधा हम ऐसे निकालेंगे चिकन ताकि हम बिरयानी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों जब तक हमारे चिकन का पानी थोड़ा सूख जाए उसके बाद हम ये डालेंगे अदरक लहसुन, इसमें सब गरम मसाला है सब कुछ है। और अच्छी तरह से इसको भुनाई करनी है, खूब अच्छी तरह से भुन जाएगा दोस्तों। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमें डालेंगे, मैंने रखा था शाही रखा था उधर थोड़ा सा दोस्तों इसमें मैं ये साजीरा डाल दू, साजीरा है थोड़ा सा बिरयानी का। और क्योंकि बिरयानी एक खुशबूदार डिश है इसमें सारे खुशबूदार ही मसाले जाते हैं दोस्तों। ठीक है अब इसका पानी सूख रहा है तो दोस्तों देखिए अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन सारा गरम मसाला जो भी है तो भी हम अच्छी तरह भूनेंगे तब तक इसकी खुशबू भरना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दोस्तों टमाटर। ठीक है थोड़ा सा ये बन रहा है फिर आपको दिखाऊंगी दोस्तों। देखिए ये हमारा चिकन, ये अदरक लहसुन डाला था ना हमने, ये ऐसे हो गया, इसको खूब भुनाई हो गई। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा, तो देखो दोस्तों ये नमक, ये धनिया पाउडर, ये हमारी हल्दी पाउडर, ये हो गया हमारी मिर्ची पाउडर और ये हो गए हमारे टमाटर। और ये दोस्तों ये भी अभी अच्छी तरह फ्राई होंगे गलेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है दोस्तों अभी इनकी भी भुनाई होगी, पानी भी टमाटर छोड़ेगा, इसको भी सुखाएंगे फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे दही डाल के और अपना थोड़ा सा शान बिरयानी का। देखिए दोस्तों हमारा चिकन, ये हमारी कढ़ाई चिकन और बिरयानी भी बनेगी थोड़ा सा, आधा ऐसे भी निकालेंगे जो बिरयानी खाएगा उसके लिए थोड़ी बिरयानी बनाऊंगी। ये बिरयानी का पानी रखा है दोस्तों, ये देखिए ये मैंने बिरयानी के लिए पानी चढ़ा रखा है। इधर ये चावल है थोड़े से, अब इसमें दही जाएगी और थोड़ा सा पहले ये शान का बिरयानी मसाला जाएगा और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, उसमें दही डालेंगे कढ़ाई गर्म हो रखी है, इसको हम
दोस्तों। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, दही हमारी फटेगी नहीं, तो लाजवाब कढ़ाई बनेगी दोस्तों हमारी, चिकन कढ़ाई। और देखिए दोस्तों, इसमें आधा चिकन ऐसे निकालेंगे और आधा हम थोड़ा जो बिरयानी खाएंगे बच्चे उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम गैस को जलाएंगे क्योंकि दही हमारी अच्छे से मिक्स हो गई, तो हम अच्छी तरह दही को भी भून भून के बनाएंगे दोस्तों। बस अब इसको अच्छी तरह भूनना है 5 मिनट, और अच्छी तरह धीमी आंच में भून के उसके बाद दोस्तों इसको बंद कर।